देश भर में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में टीकाकरण अभियान भी और तेजी से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब टीके के बहाने लोगों के साथ धोखाधड़ी होने लगे और नाइंसाफी होने लगे तो इस मामले को हम क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के उदयपुर से सामने आया है, जहां टीकाकरण के बहाने व्यक्ति की नसबंदी कर दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आज पांडे। ये मामला उदयपुर के प्रताप नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां कैलाश नाम के व्यक्ति की टीकाकरण के बहाने नसबंदी कर दी गई। इस मामले पर क्या कहते हैं कैलाश, ये आप खुद सुनिए। हाँ बोलो कुछ नहीं। बोलो। सर मैं चौराहे पे काम करने गया था, फिर पहुंचे आए कि काम करने का आओगे क्या, मैं आ जाऊंगा। फिर वो लेके गए आगे, फिर बोला कि काम करोगे, मैं काम करूंगा, कितने रुपये लोगे, 400 रुपये। फिर वहाँ से आगे जाए, चाय नाश्ता करवाया, फिर हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, दो सुई लगवाई और मुझे दवा लगा के सुई लगाई, फिर मुझे पता नहीं चला था। बोलो। हाँ वो मारा बच्चा रहा रहे भी हो अशोक कंडे ला रहा नहीं बेना चाहे, मारे इंसाफ चाहिए रहो, मारे पोता नहीं, पोती नहीं, कहीं कोई नहीं, बहू नहीं है, एक ही बेटो ने, एक ही बेटा ने नसबंदियाँ कर दी थी। टिक्के लगाने के लिए लेके गए मुझे, बोले 2000 दूंगा टिक्के लगवा लो। मैं उसके उससे उनके साथ गया था, फिर सुई लगी, मुझे पता नहीं पड़ा क्या करा मेरे साथ। जैसा कि आपने सुना कि कैलाश ने बताया कि कैसे वो मजदूरी के लिए जा रहे थे और वहां एक दूसरा व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें 2000 रुपयों का लालच दिया। लालच में वो चले तो गए और उन्हें कहा गया कि आपको सिर्फ टीका लगाया जाएगा, लेकिन टीके की जगह उनकी नसबंदी ही कर दी गई। इस पर कैलाश कहते हैं कि वो शादीशुदा होने के साथ साथ निसंतान भी थे, इस पर उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, वो अपने लिए न्याय की मांग भी करते हैं। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...